हाँ खूब 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 सब चलेगा। ये सब एक कुसंस्कार विकार का, भगवान के लिए भजन के लिए उतना प्रतिबंध है नहीं। कुछ प्रतिबंध है, जैसे मान लो भोग राग कर नहीं सकता है, भोग लगा नहीं सकता है, और विग्रह को स्पर्श नहीं कर सकता है, सालग्राम शिला स्पर्श नहीं कर सकता है, गिरिराज स्पर्श नहीं कर सकता है, बाकी पूजा पाठ ध्यान धारणा जप तप सब पूरा चलेगा। स्पर्श नहीं कर सकता, क्या बोला आपने, मैं समझ नहीं पाई। मैंने गिरिराज प्रतिष्ठित गिरिराज है उसको जो वो जाती करा मंदिर में जैसे स्पर्श नहीं करना, प्रणाम प्रणाम सब चलेगा। अरे ना नहीं बेकार, स्पर्श नहीं करना अच्छा है, दर्शन करने में ऐसा दोष नहीं है, तब क्यों नहीं करेगा, बेकार बात है। ज्यादा ही प्रतिबंध हमारे सनातन धर्म में कुछ ज्यादा ही प्रतिबंध लगा दिया। अच्छा बाबा, जैसे पवित्र लग गया जो उसका भजन जीवन ही तो कभी कभी वैसे बाधा आ जाती है, जिससे कोई कोई माला स्पर्श नहीं करना चाहिए। हमारे महाराज जी तो मना करते हैं माला स्पर्श करने के लिए। ना माला को स्पर्श होता है, हाँ। लेकिन जब स्नान करोगे, स्नान करने का बाद उसको स्नान करा। अच्छा, वो तीन दिन में मना करते हैं महाराज जी स्पर्श करने के लिए माला। अच्छा, उपांशु जप और ये मानसिक जप, जैसे हमें जो गुरु मंत्र मिला है वो हम ये जैसे होठ बंद रहता है इसमें, मानसिक जप में जीवा हिलेगा नहीं, होठ हिलेगा नहीं, कुछ बॉडी मूवमेंट होगा नहीं, सिर्फ मन में चिंतन होगा। जैसे हम सुन रहे हैं भीतर में टेप रिकॉर्ड चल रहे हैं, हम सुन रहे हैं। ये बहुत पर ये बहुत डिफिकल्ट है, मतलब डिफिकल्ट ये एकांत में, एकांत होना चाहिए, जहाँ कोई साउंड नहीं, कोई बाहरी लोग आवागमन नहीं। ज्यादातर ये प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में ये ज्यादा अच्छा प्रशस्त है। सुबह मान लो 3 बजे उठ करके नहा धा कर चंदन करके सब मानस जब चलेगा। इसमें जीवा नहीं हिलता है, होठ नहीं हिलता, तो सुनता कैसे है, मुझे यही समझ नहीं। चिंतन करेगा, चिंतन देखे, जैसे राधा तो देखा तब मन में, तो राधा राधा चिंतन नहीं करते वो नहीं सकता है। और उपांशु में बोलो ना, तुम आत्मन कर, तुम राधा राधा चिंतन नहीं कर सकते, राधा 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 राधा, मन का संयोग ज्यादा होना चाहिए। और उपांशु में होठ हिला करके वो होता है रास्ते घाट में जो चल रहे हैं उसमें, कहीं में होठ नहीं हिलाता है, अंदर से जीवा हिलता है, वो उपांशु, वो भी उपांशु है। और तो वो अशुद्ध अवस्था में कर सकते हैं वैसे? हाँ खूब कर सकते हैं, ऐसे थोड़ी है, भजन भगवान के लिए सब किया जाता है। और एक चीज और है, राधा कुंड जैसे पवित्र नदियाँ है, मानसी गंगा है, राधा कुंड है, इनको हम साक्षात राधा रानी का स्वरूप मानते हैं, तो इनमें मतलब स्नान कर सकते, जैसे पाँव रखते हैं उसके अंदर, तो ऐसे मतलब राधा रानी है उनके अंदर पाँव ऐसे रखना, वो क्या है उसमें, मुझे नहीं पता है। देखो ये तो भावना है, लेकिन राधा कुंड में जैसे माँ है, माँ की गोदी में चढ़ते हैं बच्चा, तो माँ के शरीर में पाँव लगता नहीं है, बच्चा जब माँ की गोदी में चढ़ता है तो पाँव लगता है ना माँ के शरीर में, है बच्चा पाँव भी फेंकते हैं शरीर में, तो माँ का खुशी आनंद खुशी होती है। तो ऐसा ही माने जगत जननी है इस भावना से, है। अच्छा, हमें अपनी माँ मान के तो हम समझो, तो वो तो जगत जननी है, नमस्त्रैलोक्य जननी, प्रसिद्ध कुरुनारायणवे ब्रह्मा विष्णु आदि भीर देवैर वंदमान पदाम्बुजे, राधा की स्तुति में है नमस्त्रैलोक्य जननी, 3 लोक की जननी, प्रसिद्ध कुरुनारायणवे, हम कृपा करो हे राधा रानी, कुरुनारायणवे कुरुणा के समुद्र राधा रानी, हमको कृपा करो, ब्रह्मा विष्णु आदि भीर देवैर वंदमान पदाम्बुजे, ब्रह्मा विष्णु आदि समस्त देवता तुम्हारे चरण कमल को वंदना करते हैं, नमो सरस्वती रूपे, नमो सावित्री शंकरी गंगा पद्मावती रूपे, षष्ठी मंगल चंडी के नमस्ते तुलसी रूपे, नमो लक्ष्मी स्वरूपिणी, नमो दुर्गे भगवती, नमस्ते सर्वरूपिणी सर्वरूपिणी, सब शक्ति के मूलाधार है राधा रानी, आद्या शक्ति आज समझ के अंश है, उनका ही स्वरूप है, वो दूसरा देवी आते राधा रानी के स्वरूप है, लेकिन वो अंश कला है और पूर्ण एकमात्र राधा रानी, और ये राधा रानी आद्या शक्ति, देवी कृष्णमयी राधिका पर देवता, सर्वलक्ष्मीमयी सर्वकांति सर्वहिनी परा, तो इसलिए ये जननी रूप में तो जगत जननी है ही है,
खैर हम हमारे उपासना जननी रूप में नहीं तो हमारे सखी रूप में नाम देखते हैं, हम सखी भी नहीं, स्वरूप तो सखी है लेकिन भावना सखी नहीं, भावना है किंकरी, किंकरी माने दासी सेविका है, और वो हमारी जननी, जननी तो जगत जननी हो तो पूरा सृष्टि का अध्याय शक्ति है ना, इस रूप से तो जननी है, तो हम उसमें पाँव रख सकते हैं, मतलब स्नान, हाँ स्नान में पाँव रख सकते हैं। और जैसे इतना कठिन परिक्रमा होता है गिरिराज जी का, 21 किलोमीटर है वो, तो बीच में कुछ खाना है, अगर खाया जा सकता है, पानी पीना है, अच्छा है, और पानी पी अगर कोई वृद्ध करते हैं जो हम गिरिराज परिक्रमा देके नियम करके, तो नहीं खाना, पानी नहीं पीना, तो फिर तुम्हारा, कई लोग कहते हैं पानी में चनामृत डाल लेता है तो वो चनामृत बन गया, बोल के ऐसा पीता है ना, ऐसा नहीं अगर नियम लो, ज्यादा तो है नहीं, चार पाँच घंटे का नियम ले लो, जब पानी नहीं पियेंगे हम, बाह्य क्रिया में नहीं जाएंगे, हम कुछ खाएंगे नहीं, ऐसे सबसे और उत्तम है, किसी से बात नहीं करेंगे, मौन रहेंगे और अखंड नाम करेंगे, ये और उत्तम, एक से एक उत्तम, बिना कुछ खाए करना ज्यादा अच्छा है, नहीं खाना अच्छा है, और मौन रह करके व्रत धारण करके और अच्छा है, और ऐसा तो अच्छा है, ये कैसे भी ले लो, परिक्रमा दे लो, मंगलमय तो है ये। अभी आप थके हैं बाबा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, बातें तो एक दो और भी पूछना था मुझे, पर अभी आप थके हैं, ज्यादा समय नहीं लूंगी आपका, ना थके है नहीं, थके नहीं है तुम्हारा, जरूरी कोई पूछना है तो हमारे कोई एक छोटा सा और है, परिवार में जो हमारे संबंधी है उनका जो भी कर्म होता है वो हमें भोगना पड़ता है, ऐसा है? देखो कुछ कुछ है, ये मेरा संबंध किसमें है मैं आपको बता देती हूँ, जैसे जो शरीर के पति हैं उन्होंने 3 साल पहले मुझे त्याग दिया, अब उनमें जितनी भी आदत हैं जैसे दारू पीना, नॉन वेज, सिगरेट, मांस, व्यभिचार, जितने भी उनके पाप कर्म जो वो करते हैं, अब 3 साल से कोई संपर्क नहीं है उनसे किसी भी तरह का, मुझे वो त्याग चुके हैं, संबंध विच्छेद नहीं हुआ है पर त्याग चुके हैं, तो क्या जो उनके पाप कर्म वो कर रहे हैं जैसे दारू पी रहे हैं, व्यभिचार, जुआ, नॉन वेज, वो मुझे भोगना पड़ेगा? ना ना ऐसा कोई बात नहीं, वो मुझे उस पर आएगा, अपना अपना पर है, कोई किसी का परम फल भुगता नहीं, क्योंकि जैसे भी संबंध विच्छेद नहीं हुआ पर वो जो कर रहे हैं ना, या ना, मैं जो भक्ति कर रही हूँ उसका असर उन पे पड़ता है, क्या होता है मतलब इस ना, ना, वो अपना अपना सब अपना अपना है, कोई किसी का नहीं। अच्छा, और अगर साथ में रहते हैं पति पत्नी है तो फिर भोगना पड़ता है, तुम्हारा कर्म भोग तुम करोगे उसका कर्म भोग करेगा। अच्छा, कहते हैं ना जैसे माँ बाप बच्चा माँ बाप कोई पाप कर्म करते हैं तो बच्चों पे असर पड़ता है, ना ना ऐसा नहीं, हाँ कुछ साइड इफेक्ट होता है, जैसे मान लो तुम्हारा पत्नी पति कोई गलत कर्म कर रहा है तो तुम्हारे प्रति भी अंगली उठता है जो इस परिवार का है, ये पत्नी है, ये ना महाराज, तो एक साइड इफेक्ट, ये साइड इफेक्ट उनके बदनाम हमारे ऊपर भी आता है, हमारी पत्नी होने का कारण ऐसे साइड इफेक्ट होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, ये जो हमारे महाराज जी है ना, गुरुदेव भगवान हमारे, आप तो जानते ही हैं, उनसे एक बार किसी ने प्रश्न किया था कि क्या परिवार में जो माँ बाप कुछ भी पाप कर्म बन जाता है तो उसका असर बच्चों पे पड़ता है, तो महाराज जी ने बोला बिल्कुल पड़ेगा, जैसे तुमने कुछ गलत किया, पुलिस आया, पहले माँ बाप को पकड़ा, वो नहीं मिले तो भाई बहन को पूछा, वो नहीं मिले तो और को पकड़ा, ऐसा, पर मेरे को ये लगा कि मेरा तो उनसे कोई संपर्क नहीं है, साइड इफेक्ट है, वो दोषी नहीं है, साइड इफेक्ट, ये साइड इफेक्ट, इसको कहते हैं साइड इफेक्ट, वो दोषी नहीं है, थोड़ा सा आंच लगता है इतना, लेकिन ऐसा नहीं जो वो पाप कर्म करे, जो पाप कर्म हमको भोगना पड़ेगा, ऐसा साइड इफेक्ट कुछ है, परिवार में रहने से कुछ साइड इफेक्ट तो होता ही है, है ना? अभी तुम्हारा माता पिता मान लो कोई कारणवश पुलिस के पकड़ के ले गया तो तुम्हारा अपमान तो तुम्हारा होगा, परिवार का अपमान, तुम भी समाज जीवन में मुंह को दिखा नहीं सकते हो क्योंकि जो हमारे माता पिता को पुलिस पकड़ के ले गया, ऐसा ऐसा है, इल्जाम लगाया, कुछ गलत तो सही है, कुछ तो इफेक्ट तो पड़ता ही है बच्चे के ऊपर, है ना, लेकिन ये है साइड इफेक्ट, ये तो होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि उनका कर्म फल तुम भोगोगे। किसी ने डराया कि तुम तो इतना मतलब हालांकि होता कुछ नहीं है भक्ति, सब लोग बोल देता है कि तुम इतना अभी विरक्त भाव से रह रही हो लेकिन पति इतना पाप आचरण में डूबा हुआ है तो तुम पर उसका असर आएगा, भक्ति में आगे नहीं बढ़ने देगा, तो वो तो साइड इफेक्ट है, मान लो घर में प्रतिकूल परिस्थिति है, भजन का कोई भजन करता नहीं है, भजन करने से बाधा देती है, तो इस तरह से हमारे भजन में बाधा, मन भी दूषित हो जाता है,
हमको कोई अनुमोदन नहीं करता है, हम भजन करते हैं, किसी को अच्छा नहीं लगता है, हमको टोकते हैं, ये साइड इफेक्ट, ये तो होगा, ये तो तुमको भोगना पर मेरा कोई संपर्क 3 साल से बिल्कुल नहीं है उनसे, किसी भी तरह का कोई संपर्क नहीं है, कोई संपर्क संबंध भी छेद नहीं हुआ, पर संपर्क बिल्कुल नहीं है, मैं तो विरक्त भाव से रह रही हूँ महाराज जी के शरण में। अच्छा है तो ठीक है, फिर कोई ऐसे मेरे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा, अपना अपना सब कर्म फल अपना अपना। आप आशीर्वाद दो, भक्ति बढ़े और कल ये राज्य की परिक्रमा करना चाहती हूँ, आशीर्वाद दो संपन्न हो जाए, हमारे में ना इच्छा शक्ति है ना बल है, बस निकल जाते हैं, श्री जी प्रेरणा करती हैं, लेकिन संपन्न हो जाए और भक्ति बढ़े, महाराज जी के चरणों की शरण में रहें, बस आशीर्वाद दीजिए।